हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान को और घंटे का बटन दबाकर वीडियो का सबसे पहले अपडेट पाएं जो कि बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान बाय इंजीनियर प्रमोद लोधी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है MCB। MCB क्या होता है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि MCB होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको MCB के बारे में डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, जो MCB होता है वो एक स्विच होता है। आप कह सकते हैं MCB एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में दो MCB हैं, सिंगल पोल और डबल पोल। इसको हम ऐसे ऑपरेट करते हैं, ऊपर कर देंगे इसको। अगर आप ऊपर कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगी, अगर आप नीचे कर देंगे तो ऑफ हो जाएगी। तो ये है हमारी MCB। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, MCB की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जनरली हम इसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लेकिन आजकल हम इसको घरों में भी यूज कर रहे हैं। पहले जहाँ पर हम फ्यूज यूज करते थे, अब हम वहाँ पे MCB यूज कर रहे हैं। MCB हमारी ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पे काम करती है। तो इसको अगर हम पोल्स के बेसिस पे बांटें तो ये सिंगल पोल, डबल पोल, थ्री पोल, फोर पोल में अवेलेबल होती है। अब हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें इसको यूज करते हैं। अब हमें टू वायर सप्लाई, जहाँ पे हमारी टू वायर सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम सिंगल पोल और डबल पोल MCB का यूज करते हैं। जहाँ पे हमें तीन वायर या चार वायर सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम थ्री पोल या फोर पोल MCB का यूज करते हैं। तो आपको आज मैं बताऊंगा कि इसकी वर्किंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। जैसा अगर मैं इसको इसकी रेटिंग के अनुसार बांटूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इसके पोल्स के बेसिस पे मैंने बताया कि ये सिंगल पोल, डबल पोल, थ्री पोल और फोर पोल की आती है, उसी प्रकार अगर मैं इसको रेटिंग के अनुसार बांटूं तो ये तीन प्रकार की होती है, B टाइप MCB, C टाइप MCB, D टाइप MCB। तो जो MCB हैं, इनको मैंने बताया आपको, ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पे काम करती है। तो हमारी जो B टाइप MCB है, मान लिया कि हमारी B टाइप MCB की रेटिंग जो है 10 एम्पियर है। तो अगर इसको रेटिंग के हिसाब से बांटूं तो मान लिया हमारी B टाइप MCB की रेटिंग 10 एम्पियर है, तो इस MCB में जब 3 to 5 times करेंट, ज़्यादा करेंट फ्लो करेगी, मान लिया आपकी MCB 10 एम्पियर रेटिंग की है, तो इस MCB में जब 30 से 50 एम्पियर करंट फ्लो करेगी तो ये ट्रिप कट जाएगी, उस कंडीशन में ट्रिप करेगी। और जो हमारी C टाइप MCB है, C टाइप MCB की हमारा जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो 5 to 10 times होता है। 5 to 10 times कहने का मतलब है कि मान लिए हमारी कोई C टाइप MCB 10 एम्पियर की है, तो ये 5 to 10 times में ट्रिप करेगी। तो मान लिया कोई हमारी C टाइप MCB 10 एम्पियर की है, तो इसमें जब 50 से 100 एम्पियर तक का करंट फ्लो करेगा तो ये उस कंडीशन में हमारी MCB ट्रिप कर जाएगी और सर्किट को फॉल्टी होने से बचाएगी। अब आते हैं तीसरे नंबर पे हमारा जो MCB है वो है हमारा D टाइप MCB की जो ट्रिपिंग टाइम्स होता है वो होता है 10 to 20 times। 10 to 20 times का मतलब कहने का ये है कि मान लिया अगर कोई हमारी D टाइप MCB 10 एम्पियर की है, कोई 10 एम्पियर की D टाइप MCB है, वो जब 100, उस MCB में जब 100 से 200 एम्पियर की रेटिंग का करंट फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में हमारा MCB ट्रिप कर जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया ट्रिपिंग रेंज और पोल्स बेसिस पे, हमने इसको पोल बेसिस पे और इसकी करंट रेटिंग के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया और इसका डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इसका ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है वो किस कंडीशन में काम करता है। मान लिया आप घर में आपने 6 एम्पियर की MCB लगा रखी है और उस 6 एम्पियर के लाइट, 6 एम्पियर का हमेशा लाइट फैन सर्किट होता है। अगर आप लाइट फैन सर्किट में आप हीटर ऑन कर देते हैं, अगर आप हीटर ऑन करेंगे या हीटर लगा देंगे
तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जो हमारा हीटर है ज़्यादा करंट लेगा, ज़्यादा लोड लेगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो एमसीबी होगा ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि आपने लगा रखी है हम वहाँ पे 6 एम्पीयर की एमसीबी और आपका जो हीटर वो ले रहा है 15 एम्पीयर, तो उस कंडीशन में क्या है, ओवरलोड कंडीशन कहलाएगी और हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। या फिर आप हीटर की जगह पर गीजर लगा सकते हैं, या फ्रीजर चला सकते हैं, या वॉशिंग मशीन, कुछ भी लगाएंगे, उस कंडीशन में हमारा एमसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। अब आते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या होती है, मान लिया कि आपके पास सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई में हमारे पास 2 वायर सर्किट होता है, 2 वायर सर्किट में एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। तो ये वो कंडीशन होती है जब हमारे फेज और न्यूट्रल आपस में कहीं टच हो जाए, तो ये कहलाती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। उस कंडीशन में हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। तो ये हो गई हमारी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसी करती है। इसमें जो ओवरलोड कंडीशन होती है, ओवरलोड कंडीशन में क्या होता है, इसमें एक बायमेटेलिक स्ट्रिप होती है। बायमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि धातुएं कौन सी होती हैं। तो जो इसमें धातु होती है वो स्टील या कापर को मिक्स करके एक स्ट्रिप बनाई जाती है, या फिर रेयर केस में क्या होता है, स्टील या ब्रास। इन दो कंडीशंस होती हैं, या तो आपकी जो बायमेटेलिक स्ट्रिप होगी वो स्टील या कापर की होगी, या फिर स्टील या ब्रास की होगी। तो ज़्यादा चांसेस स्टील व कापर की ही बायोमेटेलिक स्ट्रिप देखने को मिलती है। अब ये काम कैसे करती है, तो ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है इसकी क्वालिटी होती है ज़्यादा हीट आने पर बेंड हो जाना। इसमें जो स्टील होता है वो कंपेयर टू जो इसमें कापर होता है कंपेयर टू स्टील जल्दी एक्सपेंड करता है। तो मैं आपको खोल के पहले दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा सप्लाई टर्मिनल हो गए, ये हमारा ऑपरेटिंग नॉब हो गई, ये हमारा मैकेनिज्म हो गया, एमसीबी मैकेनिज्म हो गया, ये हमारा आर्कजुट हो गया, और ये हमारी पूरी बॉडी हो गई एमसीबी की। तो अभी काम कैसा करता है, और जो हमारी बाईमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है वो हमारी आप ये देख पा रहे होंगे ये हमारी बाईमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है, जो कि स्टील और कॉपर से मिलके बनी है, या फिर स्टील या ब्रास से मिलके बनी होगी। और ये हमारा सोलेनाइड कॉइल है, सोलेनाइड कॉइल करता है, ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वर्क करता है, और बायमेटेलिक स्ट्रिप है ये हमारी ओवरलोड कंडीशन में काम करती है। तो हमने क्या किया, इस एमसीसीबी को ऑन कर दिया, ये हमारी एमसीसीबी ऑन हो गई। अब पहले आते हैं ओवरलोड कंडीशन में। ओवरलोड कंडीशन क्या होती है कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो इनकमिंग टर्मिनल है, सप्लाई टर्मिनल है, सप्लाई टर्मिनल से ही बायमेटेलिक स्ट्रिप अटैच है। इसका जो एक एंड है हमारा सप्लाई टर्मिनल से अटैच है। तो सप्लाई टर्मिनल से अटैच होने के कारण जब इसमें हाई करंट फ्लो होती है तो हीट ज़्यादा जनरेट होने लगती है। जब हाई करंट इसमें फ्लो होती है तो उस कंडीशन में ये बेंड हो जाता है। बेंड होने कंडीशन में क्या करता है, ये ऐसे बाहर देखिए ट्रिप कर गया। इसको हम एक बार और ऑन कर देते हैं। हमने ये ऑपरेटिंग नॉब से हमने एमसीसीबी को ऑन कर लिया, और ये जो हमारा बायमेटेलिक स्ट्रिप है ये हमारा सप्लाई टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जब ये बेंड करता है तो अभी तो ये सीधा है, देखिए स्ट्रेट दिख रहा है आपको, लेकिन जब इसकी बेंड कंडीशन होती है, जब ये हीट करता है तो ये बेंड होने के बाद ऐसे बाहर क्यों होता है। देखिए इस कंडीशन में हमारी एमसीसीबी ट्रिक हो गई, क्योंकि ये लीवर को बाहर टच कर देता है, जो लीवर इससे फंसा होता है वो लीवर हट जाता है, फ्री हो जाता है, और हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो ये हो गई हमारी ओवरलोड कंडीशन, जो हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप काम करती है। दूसरी हमारी होती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन, उस कंडीशन में हमारा ये सोलेनाइड कॉइल काम करता है। अब ये सोलेनाइड कॉइल क्या होता है, जो सोलेनाइड कॉइल होता है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्या होती है आप जानते ही होंगे, अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो जनरली आप जानते होंगे कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है, हाई करंट फ्लो होगी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, इंस्टेंटेनियस हाई करंट जैसे ही फ्लो होगी तो जो हमारा सोलेनाइड कॉइल है इसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा क्या, इसके अंदर एक चुंबक बन जाएगा।
तो ये प्लंजर जो लगा हुआ है, प्लंजर एक आयरन की रॉड टाइप की है, तो वो क्या है लीवर से कनेक्टेड है। लीवर से कनेक्टेड होने के कारण जब इसमें हमारा हाई करंट जन फ्लो होता है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा तो आप जानते हैं मैग्नेट की क्वालिटी होती है किसी भी आयरन की वस्तु को या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो उस कंडीशन में इस प्लंजर को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ जब ऐसे अंदर की ओर जाएगा तो ये MCB देखिए आप ट्रिप हो गई। तो ये हो गई आपकी शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो ये हो गई हमारी MCCB की बेसिक। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके अंदर कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो उसको कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। और आखिरी में आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सभी को धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हम कभी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। Every single day.